यहाँ पे कोई देवर देवरानी आने वाले नहीं है काम करने के लिए, यहाँ पांडे जी करेंगे काम। देवर आने वाले हैं ना देवरानी, यहाँ पे पांडे जी काम करेंगे और मैं बस दो लोग वहाँ पे। वहां तो सारे लोग हो जाते थे। कैसे हो आप सब फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 तारीख और अभी देखिए सारा कुछ लगा हुआ है, मच्छरदानी वगैरह, क्योंकि अभी अभी उठ के परी गई है। तो आज हम लोग को जाना है फ्रेंड 23, सोचिए 23 दिन हम यहाँ पे रहे और आज जाना है। टिकट हो गया है, टिकट बड़ी मुश्किल से हुई है, जिसमें जिस गाड़ी में हमने चाह जो सीट चाहा वो सारी चीजें नहीं मिली। ये देखिए मेरा बाल खुल गया है। तो वो सीट तो हमें मिला नहीं जिस गाड़ी में मिला। अभी हमने बुक करवा लिया है अपनी टिकट और यहाँ पे जाना है। देखिए सारी सामान सब इस तरह से फैला हुआ है, इधर भी है, यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी रखा हुआ है फ्रेंड। थोड़ा सा मादी है सत्तू, उसमें है मम्मी का मिठाई दिया हुआ, और वो जो टिफिन रखा है उसमें है खुआ, उसमें खुआ रखा है, उसमें सीओ रखा है, उसमें मिठाई रखा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे माँ बड़ी ला के दी थी, घर का बड़ी होता है, और ये है चने का सत्तू। और यहाँ पे ना ब्लैक ब्लैक पन्नी ही चलता है, तो यहाँ पे जो भी आपको सामान देगा ना तो ब्लैक में ही देगा। एक यहाँ पे हमने प्लास्टिक का ऐसे झोला रखा है, इसमें कुछ कुछ सामान वगैरह रख लूँगी। बाकी हमारा जितने भी सामान वामान है देख रहे हैं पैक हो गया है, खिड़की खाली है। यहाँ पे थोड़े से पड़े हैं, सारा चीज़ भी है, अचार का बॉटल, टिफिन, ये सारा चीज़ अभी मैं पैक करूँगी। और ये सब पे ना कपड़े ढक दूंगी। मैंने आपको ना फ्रेंड अच्छे से दिखाया नहीं कि मैंने क्या लिया था। तो थोड़ा सा रूम अपना सेट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने अपने रूम में कैसा बेड लिया था। और ये बहुत ही प्यारी सी धूप, आज लास्ट है हमारा गांव का वीडियो, मन नहीं लग रहा है ऐसे जाने का, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है यहाँ से। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति, बहुत सुकून, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ना, कोई टेंशन नहीं। बच्चे भी जाना नहीं चाहते लेकिन जाना तो पड़ेगा, वही है ना, जाना हमें पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कितनी प्यारी सी धूप है, सुबह उठते ही मेरे सूर्य की किरणें जो है ना, जैसे ही खिड़की खोलती हूँ उसे दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए एक बार लास्ट बार मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ, और मेरा सकल सूरत मेरी उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ऐसे ये क्लिप कब आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक बार आपको बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा फिर से दिखा देती हूँ, लास्ट लास्ट वीडियो हमारा यहाँ का। थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ यहाँ पे, आपके साथ बातें कर लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ, लास्ट टाइम लास्ट टाइम। ये देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप, मैं ब्रश नहीं की हो मैं जाने की तैयारी है। और सोचिए थोड़ा सा लास्ट टाइम में मैं घुमा देती हूँ छत वत पे इधर उधर में, हाँ मैं भी घूम लेती हूँ और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए धान तैयारी हो रहा है इधर, ये देखिए धान तैयारी हो रहे यहाँ पे, और इस घर में कोई नहीं है, लॉक है तो जगह है, तो यहीं पे धान तैयारी हो गया। ये गांव का नज़ारा थोड़ा सा देख लीजिए आप, तो जा रही हूँ नीचे, अब बनवाऊंगी खाना। खाना में चावल, दाल और आलू का भुजिया और लौकी की सब्जी बनेगी यही, और कुछ नहीं, रोटी वगैरह वहाँ से सिस्टर बना के दे रही है। तो ये देखिए माँ क्या कर रही है, पापा ये देखिए पापा क्या कर रहे हैं, पापा मोबाइल चला रहे हैं। ये देखिए गांव का ताज़ा ताज़ा लौकी, तो माँ जो है लौकी काट के रखी है अभी। हाँ पापा लास्ट वीडियो आई बना लीजिए अगर ने फिर वीडियो नहीं बनता। हाँ
फ्रेंड हमारा सारा काम हो गया और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपना बेड दिखाऊंगी और ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी, लेकिन सॉरी यदि वीडियो में थोड़ा बहुत आया होगा तो प्लीज आप देख लीजिएगा। मैंने ना सारा कुछ, देखिए ये देखिए, पूरा हमने कवर कर दिया है, पूरी बेड को कवर कर दिया है। ऐसे नीचे तो नीचे चूहा बहुत है, ऊपर चूहा नहीं है, क्योंकि काट दे गद्दा वद्दा तो सारी कहानी खराब है। इतना महंगा गद्दा लिया है पांडे जी ने, नौ तक का गद्दा। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा अच्छे से सारे को कवर कर दिया है, सेट कर दिया है अच्छे से। चलिए मैं थोड़ा सा आपको लुक दिखा देती हूँ। ये था बेड का थोड़ा सा, उधर पांडे जी ने पूरा पेपर वगैरह डाल के ना ढक दिया। बहुत ज्यादा डस्ट उड़ता है फ्रेंड, क्या बताऊं। और इधर ड्रेसिंग टेबल, इधर भी हमने कवर कर दिया ये सारा चीज। बस मेरी मैया है यहाँ पे, माता रानी। देखिए माँ से मिल लीजिए, ये माँ है, ये काली माँ है। ये सारा कुछ पूरा रूम तो अभी हमने पूरा झाड़ू वगैरह लगा के पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि शाम बजे ट्रेन है, इसलिए मैंने सारे काम आराम आराम से कर रही हूँ। लेकिन अब जा रही हूँ मैं स्नान करने, हम और पांडे जी। बच्चे को अब कुछ भी नहीं करवाऊंगी, सिर्फ पैर हाथ धुलाऊंगी, क्योंकि कल मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाया है लोगों को। अब फिर से बहुत सारे कपड़े वपड़े हो जाएंगे, वही कपड़े वापस से मैं पहनाऊंगी। तो चलिए बाद में मिलते हैं। फाइनली फ्रेंड मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं साड़ी पहन के ऐसे जाती थी, लेकिन पांडे जी ने कहा सूट ही पहन के जाना है, फिर ट्रेन पे स्टेशन में चेंज करोगी, इससे अच्छा सूट पहन के जाओ, अपनी सोच को बदलो। वीडियो जब बनाती हो तो सूट में लोग देखते ही हैं, तो सूट ही पहन के चलो, तो सूट पहन के जाओगी तो क्या होगा। तो सूट चुनी है सिर पे, और फाइनली हमारा जो है लगेज देख रहे हैं, इतना हो गया। मैं सोची थोड़ा कम जाएगा, यहाँ घर आई हूँ तो कम जाएगा, क्योंकि कुछ सिस्टर की लड़की सबका छट्टी वगैरह था, तो कुछ ड्रेस वगैरह लाई थी, तो मुझे लगा चलो उन लोगों को दे दूँगी तो बैग खाली हो जाएगा, लेकिन नहीं, खाली नहीं होता है, यहाँ से बैग और भर जाता है। और बच्चे सुबह से घर में नहीं हैं, बच्चे पैसे लेके जा रहे हैं, 100-150 पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ। मम्मा मुझे भी लगता है दे देते हैं, करेंगे फिर कब आएंगे नहीं आएंगे तो दे देते हैं। तो देखिए अब आ जाइए, अब आ जाइए, पूरा दिन घर में नहीं है ना, एक दाना खाया है इन लोगों ने। ये क्या हाथ पैर मुँह धुल लीजिए, घर से पैर मुँह धुल लीजिए, झाड़ो बिज उसको, झाड़ो जूते पोछ लो। तो शकल सूरत तो दिखाने लायक ही नहीं है इन दोनों, गंदे हो रहे हैं शकल। हरमेंट थोड़ा कम से कम कंघी तो कर लो, जाओ पैर मुँह हाथ धुलो। बैक टू होम जाने की तैयारी, ट्रेन में बहुत सारे लोग आए थे चढ़ाने के लिए, बाबू भी जा रहे हैं साथ में। इसका नाम सुमित है, ऐसे हम लोग घर का नाम बाबू है ना, सबसे बोलते हैं। इत्तफाक ही था, इसने तो बहुत पहले रिजर्वेशन करवा रखा था इसमें, बट हम लोग को कौन है परिचय तो दीजिए, अगली बार परिचय नहीं दीजिए। छोटा भाई है, कजन ब्रदर है हमारे, आर्मी में है, ये ड्यूटी पे जा रहे हैं अभी, फिर से आएंगे अगले महीने, फिर चलते रहता है छुट्टी जब भी मिलती है इन लोग को। बहुत मजा आया, और अभी कुछ दिन तो मन नहीं लगेगा, स्कूल वगैरह भी बहुत छूट गए इस बार बच्चों के, बहुत सारा सामान हो गया, मैं तो क्लिप नहीं ले पाई, सब लोग आ गए तो फिर नहीं ले पाई, थोड़े थोड़े हैं क्लिप, फोटो है उसको मैं लगा दूंगी, फोटो है जो वही लगा दूंगी मैं, थोड़ा सा क्लिप है मेरे पास। ऐसे जाने के बाद सच में मन नहीं लगता है, आने के टाइम में सारी पैकिंग होती है, फिर यहाँ पे घर आके खोलना, जाने के टाइम में सब पैकिंग हुई, अब वहाँ जाने के बाद फिर साफ सफाई। देखिए परी ट्रेन में टेस्ट पेपर कर रही है, बेटू बेटू सोना नाराज है, नाराज है, पेपर टेस्ट कर रही है ट्रेन में, क्योंकि वो
पूरे टेस्ट छूटेगा नहीं ना। ओए इधर तस्वीरें। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग यहाँ पे और मैडम लग गई है साफ सफाई में। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ गुलिया यहाँ पे कुछ इस तरह का है। इस तरह से हो गया ये तो मैं अपने पड़ोस में इधर किसी को ये हमने बोल रखा था बगल वाले को तो थैंक यू बहुत बहुत उनका। उन्होंने तो ये घर से वो पानी डाल देती थी क्योंकि हमारी ये इतना सा स्पेस है ना यहाँ से तो पानी डाल जाता था इसमें। और ये सब तो मेरे मर गए फ्रेंड ये देखिए इस तरफ तो ये स्नेक प्लांट तो जिंदा रहा लेकिन इसमें अभी पानी डाला है आपने? अभी डाला। अच्छा ये तो अभी डाला है आर्यन ने पानी। बाकी ये जो थे हमारे यहाँ पूरा का पूरा ये तो मर गए और ये लक्ष्मण बूटी से जो बूटी जिंदा है अभी भी। गंदगी तो पूरा ही हो रखा है हालत देखिए। और बाबू जी साथ ही आ गए हैं क्योंकि इनकी ट्रेन है 9 बजे तो उतना देर क्या करता है वहाँ स्टेशन पे। ऐसे तो आर्मी लोगों के लिए होता है वहाँ पे वेटिंग रूम पर हम लोग चलो पास में है तो आ जाना वापस से। तो मैडम सफाई कर रही है मैं अंदर का दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखिए ये सारा सामान इस तरह से है, जाते है तो खाली होगा। ये कुछ गीले कपड़े थे जो छोड़ गए थे हम लोग। टीवी इस तरह से परी भी आ गई है बिल्कुल चेंज होके थोड़ी काली काली हो गई है। ये सारा सामान है बहुत सारी चीज़ें लाया है दिखाएंगे हम आपको। जब हम लोग गए थे उसी टाइम में 3-4 दिन बाद ही एक कुरियर आया था और ये गिफ्ट वॉच था बेसिकली। हमने कुछ शॉपिंग की थी तो उसी में ये मिला था तो बाद में कुरियर आया था। खोल लिया चल रहा है कि ऐसे दे दिया? बहुत मस्त है देखो ठीक है ऑन है। तो आर्यन को जहर ज्यादा क्यूरियोसिटी थी तो जल्दी से आंटी के पास नीचे जा गए और लेके आया है ये। इधर मैंने ये है कंडीशन, ये हमने पानी को खोल रखा है क्योंकि आर ओ का ना पानी बहुत टाइम से जमा था। अब इसको बंद कर देंगे ताकि ये ताज़ा पानी इसमें आए। फ्रीज की हालत तो बहुत ही ख़राब था क्योंकि फ्रीज इस बार ना बंद करके गए थे तो फ्रीज देख रहे हैं पूरा काला पड़ गया है तो इसकी साफ़ सफाई होगी। टाइम है थोड़ी सी सफाई अभी हो गई है और अब थोड़ी सी चाय चुकड़ हो रहा है। बाबू का स्नान हो गया है और अभी जैसे तैसे ही है सामान वगैरह बट क्लीनिंग का नाम ऐसे सुमित है हम लोग ऐसे बाबू बाबू ही बोलते हैं बचपन से बाबू नाम रखा गया तो ऐसे बाल का नाम सुमित है। किचन में बन रहा है अभी गर्मा गर्म चावल दाल आलू का भुजिया पकौड़े की तैयारी है और अभी फिलहाल चाय से जो है चुस्की चल रही है। अब पहुंच गए ना जगह पे तो फिर आराम आराम से अब काम होगा रिलैक्स हो जाएगा। पहले तो लग रहा था पता नहीं इसको लेके आए कि नहीं आने जाने में टाइम ना बहुत लग जाता है लेकिन अब लग रहा है अच्छा हुआ आ गया तो 2-4 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। हाँ 8:30 बजे ट्रेन है तो अभी बहुत टाइम है यहाँ से जाएगा 6 बजे भी जाएगा तो आराम से पकड़ लेगा। आर्यन का स्नान हो गया हम लोग अभी वेटिंग में है तो फ्रीज जो है क्लीन हो गया है ये देखिए इस तरह से। अब इसमें जो भी मिठाई वगैरह हम लोगों ने लाया है वो इसके अंदर रखेंगे। इधर मैडम क्या बना रहे हैं हम प्याज की सोचे आलू भुजिया है तो प्याज की पकौड़े बना लेते हैं। स्नान ध्यान बाद में होगा पहले खाने की तैयारी हो रही है। स्नान भी हो जाएगा क्योंकि अब थोड़ा सा बना लेंगे ना वो भी रेस्ट करेगा उसका भी ट्रेन है ना चावल तैयार है खाना लगभग रेडी है और थोड़ा सा रेस्ट हो रहा है। इन लोगों ने चाय पी के थक गए तो फिर सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आई है भागलपुर से ये देखिए मैडम का फेवरेट तारपन आया हुआ है। जो इसमें है ये कतरनी चूड़ा है 5 kg अभी इसको ओपन किया जाएगा। और क्या आया है दिखाओ ये कैलेंडर आया है ठाकुर प्रसाद का।
हालत तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा, घर द्वार सवरत चारों तरफ बिखरा पड़ा है और कुछ सामान आया है, बस वो सामान सब सेट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान आया है। ऐसे मेरा मन उतना कुछ दिखाने सुनाने का नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन पांडे जी बोले उठो, उठ के थोड़ा देर काम कर लेते हैं उसके बाद फिर रेस्ट करना, दोनों मिलके काम कर लेंगे जल्दी हो जाएगा। और सच में कुछ करने का मेरा मन नहीं कर रहा, एक तो पहले घर से आओ ना तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। गाँव में इतना मन लगता है, बहुत मन लगता है, घर में ना बहुत ज़्यादा मन लगता है। और अब यहाँ पे आई हूँ तो मुझे लगता है वहाँ पे तो माँ भी मिलके काम कर देती थी, सब लोग मिलके कर देते थे, अब यहाँ तो अकेले ही सारा काम करना पड़ जाता है। वहाँ तो सब होते थे, माँ होती थी, देवर धो जाते थे, देवर लोग भी मिलके बहुत सारे काम में हाथ बटा देते थे, देवरानी भी कर देती थी, दो तीन देवरानियाँ थी जो तीनों छोटी थी, उस देवरानी थी तो तीनों कर देती थी, यानी भाभी आप बैठिए मैं करती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाता था। और यहाँ जो है ना घर का नज़ारा दिखाऊँ मैं तो, ऐसी स्थिति है घर का, ये तो लगता है मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई देवर देवरानी आने वाले नहीं है काम करने के लिए, यहाँ पांडे जी करेंगे काम, और वहाँ पे पांडे जी भी नहीं करते थे यहाँ ना देवर आने वाले हैं ना देवरानी, यहाँ पे पांडे जी काम करेंगे और मैं बस दो लोग वहाँ पे, वहाँ तो सारे लोग हो जाते थे। पांडे जी कहाँ दिए चावल ला रहे हैं जी, मदद कर रहे हैं मैडम का हम तो। अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्या बताऊँ, सामान बिखरा पड़ा है चारों तरफ ना, देख रहे छोटी छोटी पोटली आई हुई है इस तरह की, ये चूड़ा है, ये इतना बड़ा अच्छा लगा मुझे जो आपको ने पैक करके दिया, वो तो सबको देता है। अच्छा, वो लोग रखते हैं क्योंकि पता है ना लोग दिल्ली वगैरह से बार बार के लोग आते हैं, तो कतरनी दिया, कतरनी दिया क्या कुछ और दे दिया भाई, दिया तो कतरनी बोल के ही है। हाँ। ये नहीं पता क्या है, वाव अच्छी है, बहुत अच्छी चूड़ी, नया चूड़ा है, नया चूड़ा है। हाँ, ये तो है, वाह इतना सुंदर चूड़ा है, देखिए कतरनी चूड़ा जो होता है ना, आप दिखाइए तो पंडित जी, इतना अच्छा चूड़ा है, ये देखिए कितना अच्छा चूड़ा है, देखिए बहुत अच्छा चूड़ा है, तो 5 kg लिया था और बिल्कुल न्यू धान का है, ये देखिए ना हरा हरा दिख रहा है, इसलिए मुर्गे को पकड़ लिया। हाँ ये देखिए नए धान का चूड़ा है, चलिए पंडित जी डालिए इसे। तो अभी मैं फ्रेंड आपको दिखाती हूँ क्या गाँव से कितने सारे चीज आए, देखिए भाई सब कुछ क्या गाँव से आया क्या क्या है, बारी बारी से सारी वीडियोस आएगी, थोड़ा सा वीडियो आने में टाइम लगेगा पर आएगी जरूर। मन तो नहीं हो रहा काम करने का, लेकिन करना पड़ेगा। आधा से अधिक तो मेरे बैग में ना मेरे ही सामान भरे पड़े हैं, साड़ियां ही साड़ियां देखिए देखिए किसके हैं, बाबू पहुंच गया क्या, हेलो, हाँ बाबू पहुंच गया, अच्छा चलो ठीक है, ठीक टाइम पे पहुंचा है, कतर नहीं जा घर का है, बिल्कुल खेत का, खीर के लिए, और मैं दिखाती हूँ और क्या, थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कीजिए ना, ये देखिए ये आया है हमारे गांव से खुआ, ये माँ बनाई थी खुआ, तो ये देखिए ये थोड़ा सा खाया दिया था सुमित को खाने के लिए, थोड़ा सा पड़ा रहा, बोला उसको लेके जाओ थोड़ा ले लो, बोला नहीं, इसमें ये देखिए खुआ आपने देख लिया रसकदम, और ये हमारे घर का नींबू, ये देख रहे हैं
इतना अच्छे अच्छे नींबू है। तो ये देखिए सारा नींबू है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घर के नींबू की ना, घर के चीज़ों की बात ही कुछ अलग है। उसके बाद ये ना सीओ बोलते हैं जिसको बुनिया के साथ खाते हैं हम गौ, वहाँ से मम्मी बनवाती हैं, जितनी बार भी जाती हूँ ना तो मेरे लिए मम्मी ये बनवा देती हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, हर बार मैं लेके आती हूँ। ये देखिए 1 kg है, इसको डब्बे में करके मैं अच्छे से रखूँगी, और कभी कभी जब चाट बनाऊँगी ना, चने की चाट बनाऊँगी ना या मटर की, तो उस चाट के ऊपर फिर मैं इसको डालती हूँ, दही वगैरह डाल के बहुत ही टेस्टी बनता है। अब देखती हूँ मैं इसके लिए डब्बे खाली करूँगी। और भी कुछ है, एक और है ये सीओ के लिए, और एक और होगा टैली। ये दिखा दिया दीजिए। उसके बाद ये देखिए पांडे जी क्या लेके आए हैं, ये भी तो था पांडे जी मीठा, ये चूर हो गया पांडे जी, ये लाए थे पांडे जी तिलकुट जो होता है ना, तिलकुट आप लोग भी जानते होंगे जो बिहार से हैं उनको शायद पता होगा तिलकुट, यार ऐसे भी लोगों को पता है तिलकुट, ये चूर कैसे हो गया, दब गया होगा। तो ये देखिए ये हो गया चूर, तो कोई बात नहीं इसको दही के साथ मिला के खा लेंगे। जो चूर हुआ है ना, जो बड़े बड़े हैं टुकड़े, उसको रख देंगे अच्छे से, और जो चूर हो गया है उसको दही के साथ मिला के खा लिया जाएगा। कुछ चीज़ें जो होती है ना यहाँ पे नहीं मिलती है, जैसे ये चूड़ा की बात की मैं, कतरनी चूड़ा यहाँ पे नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती ही नहीं है। उसके बाद चने का सत्तू है, दिखाती हूँ, जितने मतलब वहाँ से मेहनत से लाए हैं उतने ही यहाँ पे समेट के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग चाहिए। ये है स्प्रेड, इसमें चने का सत्तू, मैं इसको दिखाऊंगी क्या, ये तो बस है ही। ये बड़ी है जिस दिन मैं भागलपुर गई थी ना, उस दिन माँ बनाई थी लौकी के साथ बड़ी बनाई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। तो ये ना माँ दे दी है बड़ी, तो इसको मुझे लगता है कि मुझे सुखाना पड़ेगा, नहीं तो इसको बना के मैं ख़त्म कर दूंगी। जो एक जेठान होता है ना, जेठान की एकादशी जो होती है, एकादशी जो इधर हुई थी, उसके दूसरे दिन सुबह बनाया जाता है बड़ी, तो वही बड़ी चना और मूंग जो होता है ना, उसकी माँ बढ़िया बनाई थी, तो थोड़ा सा ही बनाई थी, माँ बोली क्या तुम लेते जाओ हम दोबारा से बना लेंगे, तो बहुत ही टेस्टी बना था ये बड़ी। देखिए आप लोग भी जानते होंगे ना, ये देखिए बड़ी, तो ये है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा गौ का प्यार, फैमिली का प्यार, छोटी छोटी चीज़ें कहते हैं ना, मम्मी हैं तो मम्मियाँ दे देती हैं, माँ हैं तो माँ दे देती हैं। और क्या था पांडे जी, और क्या था, तारपन को दिखाई दिया, तारपन आपने दिखाया, तारपन को सुबह पांडे जी ने आपको दिखाया होगा सर। ये है ठिकुआ, ये है छठ का प्रसाद, ये छठ का सिंदूर है, ये तो ये जो है ना इसको मेरे पूजा वाले पे रख दीजिए, ठीक है। तो ये है छठ का सिंदूर, तो सबसे पहले मैं अभी लगा लेती हूँ थोड़ा सा, ये जो छठ माँ का प्रसाद के साथ मुझे ये सिंदूर दी थी मेरी बहन ही, तो मैं अभी लगा लेती हूँ और रख देती हूँ इसको, उसको रख दो वहाँ पे बेटा, कहाँ पे, मेरे वहाँ पे ड्रावर। हाँ, और ये है कुछ ठेकुआ फ्रेंड, ठेकुआ प्रसाद था और सिंदूर था जो मेरी बहन के यहाँ होता था, तो वो करती है। इसमें भी है देखिए, इसमें मेरी मासी ने दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ दिया है, दिखाओ। तो ये देखिए इसके अंदर है चिप्स और इसके अंदर है तिलौरी, तिलौरी ये देखिए ढेर सारी तिलौरी और ढेर सारा चिप्स, घर का चिप्स खाने का हमको बहुत मन हो रहा था। इसको अब मैं थोड़े थोड़े सी जो है ना, ये बढ़िया और ये दोनों एक साथ रखूंगी मैं, बड़ी का मैंने पन्नी कहाँ दिया, बड़ी वाली ये रही, और इसमें है चूड़ा फ्राई, इसमें भी दिखाती हूँ। ये देखिए क्या है, ये तो अचार है, नहीं ये नारियल का लड्डू है, ये थोड़ा सा नारियल का लड्डू लेके आया था ना सुमित, लेके आया था, तो वही है।
सब लोग खा लिए थे, थोड़ा सा बचा है ये नारियल का लड्डू। कितना टेस्टी है ये देखिए, बहुत टेस्टी था। खाओ गए नारियल के लड्डू? हाँ दो ना। लो थोड़ा थोड़ा तुम दोनों ले लो। और भी अभी चीजें हैं। कितना सामान बेटा? बहुत सामान है। वहां पे ना ब्लैक पन नहीं चलता है। ये देखिए, ये है ठेकुआ। ठेकुआ बहुत सारा था, हम लोग ट्रेन पे खाते खाते आए हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनाया है। देखिए बिहार का फेमस ठेकुआ बहुत सारा था, हम लोग खाते खाते जो आए ना खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है। तो वहाँ पे ब्लैक पन्नी ज़्यादा चलते हैं। ये मुझे ठीक नहीं लगता है, ब्लैक पन्नी में सब कुछ कुछ भी देंगे ब्लैक पन्नी, कुछ भी देंगे ब्लैक पन्नी। चलो कोई नहीं, इसमें है चूड़ा फ्राई। मैं अपनी सिस्टर को बोली थी चूड़ा फ्राई करके देना, उस पता नहीं वो बहुत अच्छा भूनती है, वो भी दे दी थी, मासी भी दे दी थी, दोनों दे दी थी। तो दोनों का चूड़ा फ्राई देख रहे इसी में है, तो इसको भी रख दूँगी अच्छे से, नाश्ते में काम आएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये था हमारा छोटा सा जो हमने गांव से मैं लेके आई थी, किस प्यार कहें किसी का या जो समझे, इसमें सबका थोड़ा थोड़ा इस पर प्यार मिला हुआ है, माँ का, मासी का, मम्मी का, मतलब पूरी फैमिली का मिला हुआ है। और अच्छा लगता है जो चीज़ें गाँव में मिलती है वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए मिलूँगी मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन ये वीडियो कब आएगी मुझे नहीं पता। बाय।